को गिरिराज सिंह ने हालांकि जवाब दिया इस मामले में और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आज देश की जरूरत है, देश की मांग है। भारत आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया, लेकिन हमें चाइना से भी कुछ सीखना चाहिए। अगर 79 में चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज लोगों का मानना है कि 60 करोड़ आबादी एडिशनल होता। तो चाइना आज दुनिया का एक थर्ड इकोनॉमी के रूप में नहीं उभरता। आज भारत के लिए ठीक है, हमारे लिए पॉपुलेशन यूथ एक डिविडेंट है, लेकिन थ्रेट भी है। और थ्रेट क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी का लगभग हमारे अनुसार 20% आबादी भारत में है, और आबादी है तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पानी नहीं है, जमीन नहीं है। और आप देखेंगे तो 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे पास 0.12 हेक्टर जमीन आता है, और पानी देखें तो 2.5% पानी है। तो जिस देश में इतने बड़े थ्रेट हों उसे इस पर रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जहां कुछ बोलूंगा, इसीलिए मैं कहता हूं इस पर रोक लगनी चाहिए और सड़क से लेकर संसद तक इस पर बहस भी होनी चाहिए। कानून, लेकिन एक ऐसा कानून, कड़ा कानून आना चाहिए, सबकी सहमति से आनी चाहिए। जो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या जैन, बौद्ध हो या अन्य समुदाय के लोग हों, सब पर एक तरह सामान लगे। जो ना माने, अब समय आ गया है कि उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। जो ना माने उसे सरकारी सुविधा से वंचित कर देनी चाहिए।